हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन योर न्यू व्लॉग। दोस्तों आज है हमारा सेकंड डे और आपको पता होगा जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, हम जा रहे हैं मेनाल। दोस्तों मेनाल से 4-5 किलोमीटर पहले हम इस होटल में रुके थे नाइट, क्योंकि दोस्तों लास्ट नाइट ना बारिश आ गई थी, इस वजह से हम आगे नहीं जा पाए थे। दोस्तों आज हमारा सेकंड डे, हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, अब हम जा रहे हैं। मेरा हेलमेट में ले लेता हूँ। दोस्तों बाहर हो रही है बहुत खतरनाक बारिश, मौसम कीचड़ हो रहा है। अभी बारिश हुई थी 5-10 मिनट पहले, तो चलो चलते हैं नीचे, हमारी बाइक खड़ी है। ये देखो दोस्तों, जीतू आ चुका है रूम से निकल के। आ गया, कुछ भूल के तो नहीं है? धर्मेंद्र कहाँ है? धर्मेंद्र हो रहा बाइक निकालने गया है, वो बाकी चंदन है पीछे, वो भी हो रहा, वो सामने नीचे ही आ गया, वो बाइक निकाल रहे हैं। गाइस हम रुके थे रात भर यहाँ पे, तो अब मॉर्निंग हो चुकी है, निकलना है हमें मेनाल की तरफ। गेट खुल जा गेट। आ गई हमारी गाड़ी, गाड़ी फिसल रही है, गाड़ी की हालत। ओहो गाड़ी की टायर देख, गाड़ी। तो फाइनली हम निकल चुके हैं होटल से, और हमको यहाँ पे एक पुलिया पे ना मस्त लोकेशन दिखी थी, मतलब यहाँ अच्छा लग रहा था। हम यहाँ रुक गए हैं, पीछे देख सकते हो आप खेत है, इधर रेलवे ट्रैक है पुलिया के ऊपर। दोस्तों भिलवाड़ा मनाली की तरफ हम जा रहे हैं, आगे हम पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में, और उसके बाद में हम दिखाते हैं आपको वहाँ का पूरा व्यू। बने रही है ब्लॉग। लो इसको देखो, ये नकाया, बताओ नकाया जीतू झूल के मारवाड़ी में झूल के। कमेंट करके बताओ ये नया वाला, ये नया हुआ है क्या? कमेंट कर देना, हल्के में ले रहेगा, मेकअप करता है ये जीतू। कर रहा हूं ये बोरी, बोरी कितने किलो की है? ये बोरी लगभग 30 किलो है, 30 किलो बोरी में भरा हुआ है। दोस्तों इस पुलिया से हमें दिख रहा है मंडलगढ़ फोर्ट। दोस्तों वहाँ अभी फिल्म की शूटिंग चल रही बता हुआ है, रात को दोस्तों उसमें एंट्री नहीं थी क्योंकि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहाँ। बाकी हमको चलना है इस तरफ, वो खड़ी हमारी बाइक्स। दोस्तों कपड़ों की और शूज की 12 बजाने वाली बारिश होने लग गई है, तो चलो चलते हैं फिलहाल आगे मेनाल की तरफ। गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो ये रही हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है, चलते हैं हम। गाइस वहाँ से निकलने के बाद हम चले थोड़ा सा और फिर हो गई बारिश स्टार्ट, हम सब गीले हो चुके हैं, हेलमेट लगा रखा था, गीले हो चुके हैं। और ये देखो हेलमेट लगा रखा था, मेरे को पता नहीं था बारिश तेज आ रही है, रुकने के बाद पता चली तेज बारिश आ रही है। हाँ सर तो कार में था, मुझे ऐसे फील आ रहा था मैं कोई कार के अंदर बैठा हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो तुमने हेलमेट लगा रखी थी ना, महसूस हुआ जीतू? इधर तो बाढ़ आ रही थी ना अपने, तो और यहाँ पर पता चल गया ना। ये देखो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उनको मजबूरन रुकना पड़ा यहाँ पे। फिर दोस्तों चाय मिल चुकी है, ऐसे मौसम में चाय मिलना। जीतू जी आपके विचार क्या है? भगवान के समान है, भगवान के समान है ना। ये हमारी बाइक खड़ी है, बारिश रुक चुकी है, ये रहे हमारे तीनों दोस्त, लो आ जाओ। तो फाइनली गाइस बारिश रुक चुकी है और अब हमने सोचा कि अब हम चलेंगे आगे। फाइनली दोस्तों अब बारिश थोड़ी कम हुई है और हम आ चुके हैं मेनाल। दोस्तों मेनाल हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे आपको वाटरफॉल झरनों की भी आवाज़ें आ रही होंगी शायद। हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का फेमस वाटरफॉल, अभी आगे चलेंगे। दोस्तों पूरे राजस्थान में फेमस है मेनाल के वाटरफॉल। दोस्तों ये देखो चंदन, क्या हो गया भाई? भाई मैं लग गई यार, लग गई। ये देखो दोस्तों ये ना देखो ये गिर गया था, बाइक स्लिप हो गई थी अभी इसकी, पता है? मेरा फोन फूट गया, देखो फोन फोड़ दिया, बताओ यार। ये देखो फोन भी, आईफोन फोड़ दिया इसने। और इधर दिखाना, हम लाए देखो बारिश होने वाला है, कैंप लाए हम, बारिश होगी कैंप लगाएंगे, उसमें बैठेंगे मैगी वैगी खाएंगे सपने में, क्या मैगी में कैंप लगाकर उसमें बैठेंगे गाइस, क्योंकि बारिश होने वाली है। और वो देखो वो हमारे दो नमूने आगे जा रहे हैं बड़े वाले वाटरफॉल की तरफ, बाकी आप देखो पीछे यहाँ पानी ही पानी बह रहा है, देखो नहा रहे हैं लोग यहाँ पर। चलो भाई चंदन गाइस देखो यहाँ पर बाथिंग हो रही है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ना बहुत खराब है, ये जो है ना पानी, यहाँ काई लगी हुई है हरी हरी काई। दोस्तों पाँव पड़ते ही ऐसे फिसल के नीचे जाओगे डायरेक्ट आप, अटेंशन। हाँ तो जीतू क्या कहना चाहते हो आप? इधर देख रास्ता नहीं मिल रहा है उनको वाटरफॉल की तरफ जाने का। दीवार देखो दोस्तों कितनी चौड़ी है, 10 फीट चौड़ी दीवार है जीतू, 10 फीट चौड़ी दीवार है। दोस्तों जो हॉरर कंटेंट की वीडियो शूट करता है उसके लिए क्या है, उसके लिए ये कंटेंट है, परफेक्ट लोकेशन है। देखो पूरा मैंने देखी है दोस्तों, मैंने क्या देखी है, मैंने खुद ने बनाई है, पता नहीं आप आत्मा है। अब आत्मा तो क्या पता है या नहीं है, लेकिन दोस्तों हॉरर कंटेंट ये बहुत अच्छी लोकेशन है उसके लिए, ठीक है।
हेलो दोस्तों, दिल बहुत खुश हो गया क्योंकि दोस्तों एक चीज दिखाऊं आपको, देखो जन्नत, ये देखो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हो, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगा। देखो दोस्तों क्या शानदार, देखो दोस्तों इस जगह को देखने के लिए ना पता नहीं कहां कहां से आते हैं लोग बाग। देखो बहुत ही ज्यादा गहरा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। दोस्तों ये देख सकते हो आप मेरे पीछे वाटरफॉल, दोस्तों ये पूरे राजस्थान में शायद इकलौता वाटरफॉल है जो कि इतनी हाइट पे है और इतना गजब दोस्तों यहाँ का जो व्यू है ना, लोकेशन एक नंबर है दोस्तों। यहाँ के सच में दिल खुश हो गया, बहुत सुकून मिला, बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। वो हमारे दोस्त कैंपिंग करने में लगे हुए हैं अभी, देखो ओह लगाओ कैंप लगाओ। तो दोस्तों हमारा कैंप हो चुका है रेडी और अब हम जाएंगे अंदर। चप्पल जूते खोलो बाहर यार। पूरा एक घंटा कैंप में वेट करने के बाद बारिश थोड़ी कम हुई है, अब वाटरफॉल देख सकते हो हाइट। ओ तो फॉग निकल रहा है वाटरफॉल से और हाइट है ना बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। वाटरफॉल आप देख सकते हो कैसे यार, ये देखो बहुत ही ज्यादा हाइट है इसकी। और क्या विचार है, वाह वाह दुमंगल दुमंगल। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, अब हमारा कैंप वैम्प हटा के थोड़ा सा आगे, दोस्तों हमने उस जगह पर कैंप लगाया था और ये मंदिर जहाँ मैं जाते वक्त रुका था। और पीछे आप देख सकते हो दोस्तों बारिश पूरी तरीके से नहीं रुक रही है, कभी आ रही है कभी रुक रही है, मतलब पता नहीं बारिश ने परेशान कर दिया। हम यहाँ से जा भी नहीं पा रहे दोस्तों क्योंकि हमें बाइक पे और हमारे जो बैग है ना दोस्तों वो वाटरप्रूफ भी नहीं है। एक बैग है सिर्फ वाटरप्रूफ दोस्तों, उसको हमने पूरा भर दिया है, जरूरी जरूरी सामान उसमें डाल दिए हैं। बाकी दोस्तों हमारे कपड़े वगैरह सब गीले हो रहे हैं ऐसे ही। अभी आप देख सकते हो दोस्तों हम पूरे गीले हो चुके हैं और बारिश अब पूरी तरीके से रुक चुकी है, लेकिन अभी मौसम मेरे को लग रहा है शायद बारिश वापस आ सकती है। बने रहिए व्लॉग में, हम आपको पूरा मैनाल दिखाएंगे अभी और थोड़ा सा जो भी बाकी है। दोस्तों पब्लिक इंजॉय कर रही है दोस्तों, वो जो बड़ा वाला वाटरफॉल है ना दोस्तों वो उस जगह है जहाँ से वो फोग निकल रहा है ना, आप देख सकते हो फोग धुआं निकल रहा है बहुत सारा वहाँ पर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गहरा है, ये सारा पानी उसमें जाके गिरेगा अभी। दोस्तों पब्लिक को देखो इंजॉय कर रही है फुल, बारिश रुक चुकी है, मौसम बहुत ही गजब हो गया है। उनको देखो दोस्तों पानी में मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, इंजॉय फुल इंजॉय। ये पेड़ पता नहीं काय का है, कमेंट करना आपको पता हो तो, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। इसके एक पत्ता ना दोस्तों इतना बड़ा है, मेरे दो हाथ कर लो इतना बड़ा पत्ता है उसका, ये एक पत्ता। दोस्तों मेनाल में तो हम आ चुके हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार ये जगह है, मैं मेरे एक्सपीरियंस पर बताता हूँ आपको, एक नंबर जगह है दोस्तों बारिश के मौसम में। बाकी गर्मी में ना ये पेड़ वेड़ सारे सूख जाते हैं, कोई इतना खास मतलब नहीं रहता है। बाकी बारिश के मौसम में अगर आप आओ ना तो ये आपको एक नंबर मिलेगी ये जगह देखने को। आप पीछे देख सकते हो पब्लिक नहा रही है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लोग। A few moments later. दोस्तों ये पानी मैंने जब दिखाया था यहाँ पे लोग नहा रहे थे, अब देखो इस पानी को, इसकी स्पीड और ये कितना ज्यादा हो गया है। सबको यहाँ से हटा दिया गया है, अभी पुलिस वाले आए थे बोलो यहाँ से चले जाओ। बारिश सुबह 10 बजे से रेगुलर आ रही है, 3 बज गए हैं और हमारा आसरा है सिर्फ ये मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर हमारा आसरा बना हुआ है। अभी पता नहीं कब बारिश रुकेगी, बाइक हमारी यहाँ से 1-2 किलोमीटर है इन पहाड़ों के उस तरफ, अब देखो आपकी इस पानी की क्या स्पीड हो गई है। दोस्तों देखो ये वही वाटरफॉल है जो मैंने आपको आते ही दिखाया था। दोस्तों दिन भर की बारिश के बाद में ये बहुत ही खतरनाक तरीके से बह रहा है अभी। देखो दोस्तों नीचे देखो नीचे, ओ माय गॉड, दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से बह रहा है ये, देखो स्पीड देख लो इसकी, बहुत बुरी तरीके से बह रहा है। दोस्तों ये मैं इधर लास्ट बार आया हूँ, अब हम जाएंगे आगे की तरफ वापस, वेट करें बस बारिश का, उसके बाद निकलेंगे वापस बाहर, ठीक है दोस्तों। तो गाइस यार दोस्तों बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी मैं ये व्लॉग भी बारिश में ही बना रहा हूँ। और पानी है ना दोस्तों जो यहाँ बहुत ही ज़्यादा बहने लग गया है, पहले इतना नहीं बह रहा था, आप देखो पीछे मेरे। तो दोस्तों हम निकल चुके थे वहाँ से तो, लेकिन हमको आगे आने के बाद पता पड़ा जब हम यहाँ से गए थे ना दोस्तों इतना पानी नहीं था, वो वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है, अब हमको इसको क्रॉस करना है। दोस्तों वैसे मेरा मन तो कहता है इसको क्रॉस करना नहीं चाहिए और हम करेंगे भी नहीं दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, देख लो आप एक बार। दोस्तों तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा पानी का बहाव है, हम उस तरफ थे वहाँ से दोस्तों दीवार थी, ये भाई साहब आए हमको निकालने के लिए, उन्होंने हमको रास्ता बताया, उसके बाद में दोस्तों 3 घंटे हम उसी तरफ बैठे थे और फिर हम बाहर आए। तो आप देख सकते हो आ चुके हैं हम बाहर फाइनली हमारी बाइकों के पास।
हाँ तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं बाइकों के पास में। ये रहे देखो हमारे दोस्त। हमारे साथ क्या हुआ दोस्तों, हम रूम पे पहुंचते पहले तो होटल लेंगे, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, उसके बाद में बताता हूँ आपको कि हमारे साथ क्या हुआ। तो चलो दोस्तों रूम पे चलते हैं। A few moments later, ये देखिए होटल। तो चलो रूम के अंदर चलते हैं, वहीं मिलेंगे। और ये हमारा बाइक खड़ी है यहाँ पे हमारी, चलो चलते हैं अंदर। हाँ भाई चंदन यहाँ कैसे खड़ा है, चलो चले। तो दोस्तों ये रहा चंदन, ये जीतू, एक वो उधर बैठा है। अब फाइनली हम आ चुके हैं हमारे रूम के अंदर। दोस्तों आज हमारे साथ क्या हुआ ना, हम वहां गए, जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में भी बताया था, अभी हम गए मैनाल। दोस्तों हम जब निकले थे ना उतना पानी नहीं था वहां पे, जब हम घूम के वापस आ गए ना, जब बारिश रुक गई, मतलब 5-5 फीट पानी बहने लगा था, और हमारा निकलना मतलब लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। उसके बाद में दोस्तों हमें वहां से एक आदमी आया, जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था, उन्होंने हमको वहां से निकाला, उन्होंने हमारी मदद की। उसके बाद दोस्तों हम कहीं निकले, दोस्तों पूरे 4-5 घंटे हम उसमें फंस गए थे। दोस्तों सुबह गए थे 10 बजे, शाम को 5 बज गई थी वहां से निकलते हुए, फिर हम फाइनली यहाँ पे आए, थक चुके थे। बाकी आज हमारा चित्तौड़ जाना कंफर्म था, हम जाएंगे कल चित्तौड़, वहां का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग उसी का देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे दी एंड, गुड बाय।